तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बताएंगे किस तरीके से एक सेल पे वीवीए के थ्रू हम किसी वैल्यू को टाइप करते हैं, कैसे वैल्यू डालते हैं, कैसे कर्सर को मूवमेंट कर देते हैं, ये चीजें आज हम बात करेंगे अपनी इस क्लास। चलिए शुरू करते हैं। निकिता जी हाँ जी सर, शुरू करते हैं। चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक रेंज के ऊपर। यहां पे A1 पे हम कोई वैल्यू टाइप कैसे करेंगे? रिपोर्ट में आते हैं विजुअल बेसिक, इंसर्ट मॉड्यूल, सब्जेक्ट, हमने इस पे किसी एक सेल पे लिखने के लिए तो ऑब्जेक्ट ये देंगे, कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग के लिए जो लास्ट क्लास से बताया था वही सारा मेथड होगा कि A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, अगर आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट दीजिएगा और नंबर विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में डलाएगा। निकिता जी मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर है एकदम। तो किसी एक सेल पे टाइप करने पे रेंज A1 डॉट वैल्यू, रेंज A1 डॉट वैल्यू, और उसके यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज B1 और डॉट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर देते हैं यहां पे रॉ। फिर रेंज C1 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, इस तरह से कर सकते हैं। तो आप डॉट वैल्यू या ना भी दो या डॉट फॉर्मूला करके भी एक किसी सेल पे आप टाइप कर सकते हैं, जैसे यहां पे टाइप हो गया। तो अगर मुझे मान लीजिए किसी और सेल की वैल्यू किसी और पे डालना है, जैसे मान लीजिए मुझे H1 पे जो 50 डाला हुआ है A हमारा A1 पे डालना है, तो कैसे करेंगे? तो यहां लिखेंगे रेंज H1, H1 नहीं A1, जिससे वैल्यू डालना है जो रिसीवर है वो पहले आएगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज H1 डॉट वैल्यू। अब यहां पर ध्यान रखिएगा हमने डॉट वैल्यू किया है, तो जैसे कि यहां पे इसने क्या करेगा कि A1 पे H1 का 50 डाल देगा। अगर H1 किसी फॉर्मूला में भी है, जैसे मान लीजिए ए ए ए जो है आपका 20+30 है, राइट, तो इससे कोई मतलब नहीं कि किससे वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ए वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन
अगर मैंने यहां लिखा रेंज ए वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज एच वन डॉट फॉर्मूला, तब क्या होगा कि यहां ए वन के ऊपर तब इसकी फॉर्मूला आएगी, ये जो आपको दिख रहा है 20+30, तो यहां पे इक्वल 20+30 इस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर कोई वैल्यू डाल रहे हो तो उसमें वैल्यू करो फॉर्मूला करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी अनदर सेल की वैल्यू ले रहे हो, वहां पे अगर आप डॉट वैल्यू करते हो तो उसकी वैल्यू आएगी, अगर डॉट फॉर्मूला करते हैं तो उसकी फॉर्मूला आएगी। समझ गया सर? मैम जी सर, विजय जी की आवाज आ रही है आपको? हाँ सर जी, अभी आवाज आ रही है, अभी ज्वाइन किया मेरा ऑडियो में कुछ इशू हो गया था। ओ, आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम था सर। तो किसी सेल पे वैल्यू टाइप करते हैं तो इसके लिए ये मेथड यूज करते हैं। अब बात होती है किसी अनोदर शीट की वैल्यू किसी अनोदर फाइल से डालना है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे फॉर्म है, एक फॉर्म, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूं, यहाँ पे नेम सिटी एंड मार्क्स। चलिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे दीजिए ना। और दूसरे सीट पे यहां मेरा डेटा है, मान लीजिए तो यहां नेम सिटी एंड मार्क। तो अगर मान लीजिए मुझे बी वन की वैल्यू को डेटा के ए वन पे डालना है, बी टू की वैल्यू, फिर माफ कीजिएगा, बी टू की वैल्यू को डेटा के ए टू में डालना है, तो कैसे डालेगी? तो यहां हम लिखेंगे शीट और देंगे डेटा, क्योंकि दो शीट के बीच में डिफरेंस है, तो यहां आप दे सकते हैं डॉट रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू सीट फॉर्म डॉट रेंज ए टू, मैं बी यहाँ ए टू होगा ना, हाँ यहाँ ए टू फॉर्म रेंज, यहाँ बी टू, बी टू डॉट वैल्यू। वैसे यहाँ इन ऑर्डर को मैं क्लोज नहीं किया हमने, ओके। तो दो सीट के बीच में डेटा ऐसे डालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डेटा है आपको सीट टू में या सीट थ्री में से डालना है, तो आप एक मेथड और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां सीट और यहां डेटा डॉट एक्टिवेट और फिर रेंज ए टू डॉट वैल्यू इक्वल टू दे सकते हैं, ओके। इस तरह से भी आप दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। अगर फाइल मैंने बुक वन की फाइल बुक टू में डालना है, अगर फाइल के ऊपर डिफरेंस है तो क्या करेंगे, यहां वर्क बुक्स और यहां बुक वन, लेकिन बुक वन ओपन होना चाहिए कि बुक वन के डेटा सीट की रेंज ए टू की वैल्यू
बराबर हो जाए वर्क बुक बुक टू डॉट एक्सेल एम या जो भी देता है, समझ गए? तो बिच इन फाइल ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट डालना है तो आप यहां से उस वर्कबुक को एक्टिवेट भी कर सकते हैं कि बुक वन डॉट एक्टिवेट और फिर उसमें जाकर डाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेल को किसी और सेल की वैल्यू में रेफर करना है तो हम इसी तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके सर। अब चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास फॉर्म है और मैं यहाँ पे एक बटन बनाना चाहता हूँ और बटन पे क्लिक करूं तो ये जो डेटा है डेटा शीट में आ जाए और तो फिर दोबारा करूं तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे इसकी एंट्री होती रहे। समझे क्या करना है विजय जी? हाँ जी। चलिए तो इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो मुझे डेटा सीट के एक नीचे करना है तो रेंज, हमने आपको कर्सर मूवमेंट करने के लिए क्या बताया था लास्ट क्लास में, 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज B2 डॉट वैल्यू, लेकिन इसके आगे मुझे इसका सीट का रेफरेंस देना होगा सीट और यहां पर हमने कर दिया डेटा। ओके तो ये क्या करेगा कि डेटा सीट में जाएगा A 65,000 पे जाएगा मतलब कि लास्ट पे जाएगा, फिर यहां से कंट्रोल के साथ अप एरो इस्तेमाल करके ऊपर आएगा। ये आपका यहां तक हुआ। अब ऑफसेट क्या करेगा क्योंकि मुझे तो नेक्स्ट ब्लैंक रो में एंट्री करनी है लेकिन आपका रेंज एंड एक्सलस अप कहां तक ले आया, नीचे से ऊपर में सबसे लास्ट वाले डेटा पे आ गया, लेकिन मुझे लास्ट ब्लैंक चाहिए तो ऑफसेट का इस्तेमाल किया। वो क्या करेगा कि एक रो नीचे ला देगा इस तरह से। अब यहां पर वैल्यू हो जाएगी रेंज B2 की। अब बोले सर B2 का आगे सीट का रेफरेंस नहीं दिया, तो सीट का रेफरेंस हमने इसलिए नहीं दिया कि ये जो माइक्रो है वो एक बटन पे क्लिक होकर रन होगा, जब बटन पे क्लिक करना होगा इसको तो फॉर्म सीट पे एक्टिवेट करना ही होगा, तो फॉर्म सीट जब एक्टिवेट ही है तो क्यों इसके आगे सीट का नेम देना, जरूरी नहीं है बट आप दे सकते हो। अब इसी कोड को मैं कॉपी करके 3 बार पेस्ट करता हूं यहां पर, तो ये आपका अल्सिट मान लीजिए यहाँ पे देता हूं मैं पूजा सिटी में दिल्ली और मार्क्स हमने यहाँ पे दे दिया 45। तो अब ए वाला ऊपर लाइन क्या करेगा, इसको यहां जाएगा 65,000 पे जाएगा, नीचे से ऊपर आके यहाँ पे पूजा डाल देगा। अब मुझे सिटी डालना है तो क्या हम सी में नीचे से ऊपर जाए और फिर एक नीचे आए, ये सही नहीं होगा क्योंकि हो सकता है किसी दिन सिटी एंट्री ना किया हो तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे कि इसमें ऊपर जाएंगे और ऑफसेट की मदद से हम नीचे ना आके आगे आएंगे, तो दूसरे लाइन में हम कर देंगे रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 1, इसकी वैल्यू बराबर हो जाए B5 के, यहां पे B5 और सेम यहां पे 0 और यहां पे 2 और बराबर हो जाए B8 के, ये भी है ना। एक मैसेज दे दीजिए कंफर्मेशन के लिए MSG बॉक्स सेव और फिर रेंज एक साथ तीनों का देते हैं मल्टी सिलेक्शन में B2, B5, B8
एट डॉट क्लियर कंटेंट डिलीट कर देगा। चलिए यहां पे बटन देते हैं पहले डेवलपर इंसर्ट बटन लिया माइक्रो साइन कर दिया एंड ओके। और यहां पे हमने कर दिया सेंड। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं मैसेज दिया डेटा सेव और डेटा कहां आ गया ये देखिए आ गया हमारे दूसरा एंट्री करता हूं मैं ओम सिटी में नोएडा हमने डाल दिया नंबर सेंड डेटा सेव इसके नीचे आ गया। एक और एंट्री कर लेते हैं इन द सिटी में रायपुर अब बताइए आप लोगों को कि इस कोड में क्या प्रॉब्लम है। हेलो विजय जी कोड समझ में आ गया तो आपको ये पता चल गया ना कि किसी सेल पे हम टाइप कैसे करते हैं किसी सेल की वैल्यू किसी अनदर सेल पे कैसे होल्ड करते हैं विदाउट कॉपी पेस्ट इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं बताया ना है ठीक है। उसके बाद हमने बताया किसी अनदर शीट में एक के नीचे कैसे कर्सर लाके एंट्री करेंगे समझ गया कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। नो सर विजय जी नहीं जी। अब आपको क्या करना है एक फॉर्म बनाना क्योंकि हमने आपको जो फॉर्म बनाया छोटा सा फॉर्म बनाया दिया ना सर। अब आपको एक फॉर्म बनाना है अब फॉर्म मुझे मिलेगा कहां से तो आप यहां गूगल पे चले जाएं और यहां पे आप फॉर्म टाइप करें इमेज में आए। अब यहां से कोई भी फॉर्म डिजाइन कर लीजिए जो आपके लिए सुटेबल है ठीक है जो आप डिजाइन कर सकते हो और उसके ऊपर फिर आप एक कोड डालें और उसकी एंट्री किसी सीट में एक के नीचे एक चेंज कराए। ये आपका अभी का होमवर्क है क्योंकि तो प्रोजेक्ट मैंने आधा किया है और आधा आपको करना है। ओके सर। सर मैक्रो रन करने का शॉर्टकट क्या है। मैक्रो का शॉर्टकट डिफाइन कर लीजिए यहां से खुद बना लीजिए शॉर्टकट। अच्छा ठीक है सर ओके विजय जी। तो आपको एक फॉर्म बनाना है एक अच्छा फॉर्म बनाना है और उसके ऊपर जो मेथड मैंने अभी आपको दिया है इस मेथड को इंप्लीमेंट करना है एक करके मुझे आप भेजें ठीक है। ओके सर। उसके बाद हम बात करेंगे रेंज की फॉर्मेटिंग के ऊपर। अभी हमने क्या पहले क्लास में हमने किया था रेंज सिलेक्शन हाउ कैन सिलेक्ट द रेंज। दूसरी क्लास में हमने बताया आपको कि हाउ कैन राइट द वैल्यू इन द रेंज ठीक है। तीसरी क्लास आपकी होगी इसमें बताएंगे हाउ कैन फॉर्मेट द रेंज ओके मिलते हैं अगली क्लास में ओके बाय बाय सर। देखिए इसको